बुलंदशहर में गजेंद्र सिंह हत्याकांड का खुलासा। पत्नी बेटी और दामाद निकले हत्या के साजिशकर्ता। 50 वर्षीय गजेंद्र के किसी महिला से थे अवैध संबंध। उससे शादी करने व संपत्ति उसके नाम करने की धमकी देता था गजेंद्र। इसी डर से गजेंद्र की पत्नी ने दो बेटों व फौजी दामाद के साथ मिलकर रची साजिश। फौजी ने अपने भाई व एक अन्य को भेज कर कराया कत्ल। हत्या में मृतक का एक बेटा भी रहा शामिल। मुंबई में बैठकर फौजी ले रहा था पल पल का अपडेट। पुलिस ने मृतक के दोनों बेटे संजू अरुण व फौजी का भाई कपिल किया गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर आला एक कत्ल बरामद। शेष आरोपियों की तलाश जारी। काकोर में 11/12 जुलाई की रात खेत में सो रहे 50 वर्षीय गजेंद्र की हुई थी हत्या। दिनांक 12/7/2024 को थाना ककोड़ पे मुकदमा प्राप्त संख्या 224/24 धारा 103(1)(BNH) में मृतक गजेंद्र सिंह की हत्या के संबंध में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना ककोड़ और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें मृतक गजेंद्र सिंह एक महिला के साथ संबंध में था और उस महिला से शादी करने और अपनी संपत्ति महिला के नाम से करने को कहता था, जिसकी जानकारी मृतक की पत्नी और बच्चों को हो गई थी। इसी दौरान मृतक की पत्नी और उसके दोनों लड़कों ने अपने दामाद प्रेमपाल निवासी राजूपुर पलवल हरियाणा, जो भारतीय सेना में कार्यरत है और वर्तमान में पूरे महाराष्ट्र में तैनात है, के साथ मिलकर गजेंद्र की हत्या की योजना बनाई। योजना अनुसार प्रेमपाल ने अपने भाई कपिल और एक अन्य व्यक्ति को गजेंद्र की हत्या के लिए भेजा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।